एसआई भर्ती 2016 में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। भर्ती को 5 साल पूरे होने के बाद अभी तक चयनित 511 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई है। पहले अभ्यर्थी लंबे समय तक परीक्षा का इंतजार करते रहे, परीक्षा के बाद परिणाम और अब नियुक्ति के लिए बेरोजगार अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। सिविल लाइंस फाटक पर आज पुलिस एसआई भर्ती 2016 के बेरोजगार अभ्यर्थी धरने पर बैठे, जिनका कहना है कि जनवरी में भर्ती प्रक्रिया की सभी कार्रवाई पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। भर्ती प्रक्रिया को 5 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में एक बेरोजगार के लिए 5 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। यदि सरकार अभी भी नियुक्ति नहीं देगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एसआई भर्ती 2016 के अभ्यर्थी लगातार ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। लंबा समय बीतने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं मिलने के बाद में आज इन अभ्यर्थियों ने सिविल लाइन फाटक पे धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देख रहे हैं कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि 5 महीने का इंतजार हो चुका है लेकिन अभी तक भी इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। और 511 पदों पर जो 2016 में जो भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसके बाद में जो पहले परीक्षा में देरी हुई, उसके बाद में इंटरव्यू सहित जो तमाम गतिविधियाँ हैं उनमें देरी की गई। जनवरी में सभी जो कार्रवाई पूरी होने के बाद में भी अभी तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, किस तरह की समस्या आ रही है अभी ये भर्ती और नियुक्ति को लेकर? सर, हमारी सब इंस्पेक्टर भर्ती को आज 5 साल ऊपर हो गए। हम लोग, हमारा 1 सितंबर 2020 को अंतिम परिणाम आ गया, उसके बाद भी आज तक हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। हम मंत्रियों के, सीएम साहब के, ओएसडी साहब से, अनेक पीएचक्यू के हम चक्कर काट काट के परेशान हो गए। हम बेरोजगारी की मारी मार झेल रहे हैं। हम चाहते हैं हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले और हमारी बेरोजगारी दूर हो। सरकार से मांग रखते हैं कि हमें मजबूर ना करेंगे, हमें धरना प्रदर्शन जारी रखना चाहिए, ये हमारी मांग। 2016 से 2021 का एक लंबा समय होता है, इस लंबे समय तक इन्होंने भर्ती की ज्वाइनिंग का इंतजार किया है, जो 5 साल बीत जाने के बाद अभी तक इनको नियुक्ति नहीं हुई। कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, लगातार 5 साल पूरा हो चुका है, किस तरह के तमाम जो प्रक्रिया, पहले समय जो परीक्षा में देरी हुई, उसके बाद में इंटरव्यू से दोनों जो गतिविधियाँ उनमें देरी हुई है, अब ज्वाइनिंग का इंतजार करना पड़ रहा है। जी सर, पिछले सर 5 महीने से मेडिकल हो गया, लास्ट जनवरी में मेडिकल एग्जाम हो गया था। उसके बाद में हमने कई तरीके से हर विभाग में जाके, हर डिपार्टमेंट में जाके, हर अधिकारी के पास में जाके हमने ज्ञापन दिया, हजारों ज्ञापन दिए, कई बार ट्विटर पर अटेंड कर रहा है, सोशल साइट पर सारा काम किया, लेकिन किसी भी तरीके से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन धरने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है, क्योंकि हम भी बेरोजगार है, पिछले 5 साल से भर्ती अटकी हुई है, तो नियुक्ति की हमें दरकार है। सभी बेरोजगार चल रहे हैं, इस कोरोना काल में सब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, तो हमें भी बेरोजगारी चल रही है, तो हमें भी नियुक्ति चाहिए, इसलिए हमें सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हमारे लेके जाएंगे यहाँ से, और जब तक नियुक्ति के लिए कोई पूरा समाधान नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अंतिम विकल्प इनका जो धरना प्रदर्शन है वो इनका शुरू हो चुका है। लगातार जिस तरह से जो इनकी मांग है, कुछ अभ्यर्थी और भी हैं, एक 5 साल का एक लंबा पीरियड है, पीरियड गुजरने के बाद में अब जो सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक नहीं की गई है, किस तरह की तमाम समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही है? सर, ऐसा है कि जो मेडिकल हुए भी 4 महीने हो चुके हैं और ये जो प्रोसेस है, 2016 से फॉर्म भरा है, उस समय से लेकर आज तक में लगभग 5 साल बीत चुके हैं, तो ऐसे में जो व्यक्ति, हम लोग तैयारी कर रहे थे इसके, तो आज भी सिलेक्शन के बाद भी हम लोग बेरोजगारी है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, बेरोजगारों के लिए हमारे लिए एक तमगा है कि हम लोग बेरोजगार है, और हम इसके लिए सरकार से चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग दे दें। हम मजबूर हैं आज हम, इसलिए क्योंकि हमने कई बार, इससे पहले कई बार हमने ज्ञापन भी दिया, ट्विटर वार भी किया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक अपनी बात पहुंचाई, मंत्रियों तक से भी हम लोग मिले, क्योंकि कोविड था और हम चाहते थे कि इसको इसी तरह से डील किया जाए, लेकिन अब हम मजबूर हो गए, इसलिए आज हम सड़कों पर बैठे हैं। हम चाहते हैं कि अब सरकार हमारी बात सुने और जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए हमारे आदेश निकाले जाए। बिल्कुल, जिस तरह से एक लंबा पीरियड गुजरने के बाद में बेरोजगार बैठे हैं ये अभ्यर्थी और नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, पुरुषों के साथ में महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर लगातार पहुँच रही है, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक लंबा पीरियड गुजरने के बाद में भी अभी तक इनको नियुक्ति नहीं की। 5 साल का समय बीत चुका है भर्ती प्रक्रिया को और जनवरी में तमाम जो मेडिकल सहित जो अन्य कार्रवाई पूरी हो चुकी है,
अब किस तरह की समस्या आ रही है और आप लोग किस तरह से जो दर्द हो वो महसूस कर रहे हैं? जी सर, अभी किसी भी तरह का कोई भी टायर अब बचा नहीं है, अब सिर्फ नियुक्ति ही बाकी है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा करते हुए और बेरोजगारी को मिटाने की दिशा में बढ़ते हुए हमें जल्दी से जल्दी रोजगार दिया जाए। जी सर, हमारी यही मांग है। बिल्कुल, जिस तरह से आखिरी इनको नियुक्ति का इंतजार है, क्योंकि 2016 में 511 पर ऐसे भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसके बाद में पहले परीक्षा में देरी हुई, परीक्षा के बाद में जो इंटरव्यू सहित अन्य जो गतिविधियां हैं वो पूरी की गई, लेकिन जनवरी में जो मेडिकल होने के बाद में इनको केवल नियुक्ति देनी थी, जो नियुक्ति अभी तक नहीं दी गई, और उसी नियुक्ति की मांग को लेकर ही जो सभी अभ्यर्थी आज सिविल लाइन पर यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। जयपुर से कैमरामैन रामकिशन सैनी के साथ मैं लोकेश वाला A1 TV।